फ्लेक्स की प्रॉपर्टी का ताल्लुक पेरेंट और चिल्ड्रन से है। तो जब भी आपके जहन में फ्लक्स आए या डिस्प्ले फ्लेक्स आए, तो इसका मतलब ये है कि फ्लेक्स इज सपोज टू बी गिवन टू द पेरेंट एलिमेंट एंड ऑल द चिल्ड्रन विल बिकम द फ्लेक्स आइटम्स। गॉट इट? फ्लेक्स पेरेंट जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स मिला होगा, और बाकी जितने भी उसके अंदर चिल्ड्रन होंगे, चाहे वो डिव हो, चाहे वो पी हो, चाहे वो हेडिंग हो, कुछ भी हो, वो क्या कहलाएगा? फ्लेक्स आइटम कहलाएगा। ठीक होगी बात? सो नाउ कमिंग बैक टू दिस, अब नॉर्मली मैंने क्या कहा था कि जब भी मैं कोई हेडिंग लिखता था या पैराग्राफ लिखता था, तो जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते थे वो क्या करते थे? फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेते थे। अच्छा, बाय द वे, ये आप कह रहे हैं ना कि ये जो श्रिंक हो जाते हैं, इसका हल क्या है? तो इसका हल अभी तक फॉर द टाइम बीइंग आप ये याद रख लें कि एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्स रैप रैप। ठीक, ये फ्लेक्स रैप रैप क्या करती है, सॉरी किसको दे दिए, फ्लेक्स रैप रैप क्या करती है? वैसे रैप का मतलब क्या होता है पता है आपको? रैपर से निकला है। तो नॉर्मली पता है रैप क्या होता है कि जब आप नॉर्मली जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, तो जब ये अवेलेबल स्पेस पूरी हो जाए, तो जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको वो रैप कर दे टू द नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन। तो बेसिकली टेम्परेरी हल आपका ये है कि आप कह रहे थे कि सारे श्रिंक हो रहे थे, तो अब देखें वो सारे श्रिंक नहीं हो रहे, सारों ने अपनी ओरिजिनल विड्थ को मेंटेन रखा है, और जू ही ये ब्राउजर की अवेलेबल स्पेस खत्म हुई, तो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट थे वो उठ के कहाँ आ गए? नीचे आ गए। क्लियर हो गई बात? तो ये फ्लेक्स रैप रैप की प्रॉपर्टी है, बट फिलहाल मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। आई मीन ये जस्ट आपका आंसर था कि आपने कहा जी उसको आपको तंग कर रहे हैं, तो फिलहाल हम इनको थोड़ा ही रखते हैं ताकि ये बेसिकली हमें यहां तक महदूद रहें। हम जब भी कोई नॉर्मली आप साइजेस को ना परसेंटेज में भी देख सकते हो, मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर ये बताऊं कि हमारे पास यहाँ कितने बॉक्स हैं, 1, 2 और 3। अब ये जो 3 बॉक्स हैं ये तो यहाँ पूरे आए, तो रिमेनिंग जितनी भी स्पेस थी वो क्या हो गई? खाली बच गई। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये बॉक्सेस अवेलेबल स्पेस को शेयर कर लें, यानी 2 हों, 3 हों, 4 हों, जितने भी हों, वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल स्पेस को क्या कर लें? शेयर कर लें। तो अगर मैं इनकी फिक्स विड्थ को हटा दूं, फिक्स विड्थ को, और फिर अब विड्थ हट गई तो सारे खत्म, मैं इनको सिर्फ एक प्रॉपर्टी दे दूं, दैट इज काइंड ऑफ फ्लेक्स वन। ये मैं आपको बार बार कल भी जिक्र कर चुका हूं और इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अब सारी कहानी और गेम किसकी है? सीएसएस की है। आपने कंटेंट की प्लेसमेंट किसके साथ करनी है, लेआउट तो आपने एचटीएमएल के साथ डिजाइन करना है। अब हुआ क्या, मैंने फिक्स विड्थ खत्म कर दी, कंट्रोल जी करूं, फिक्स विड्थ क्या थी 200 pixels। तो जब भी फ्लेक्स, अब मैं टर्म्स प्रॉपर यूज करूंगा, जब भी फ्लेक्स आइटम्स को, फ्लेक्स आइटम्स कौन से होते हैं? वो तमाम एलिमेंट जिनका पेरेंट डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ होता है, जब भी फ्लेक्स आइटम को फिक्स विड्थ देंगे तो वो पाबंद हो जाएगा, उस फिक्स विड्थ से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ये देखें, ये पाबंद हो गया कि इसने भी 200 पिक्सल विड्थ उठाई हुई है, इसने भी 200 पिक्सल, इसने भी 200 पिक्सल, तो रिमेनिंग जितनी भी स्पेस थी वो क्या हो गई? फालतू बच गई। मैं ये नहीं चाहता, अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, फिर यही काम ठीक है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है ना। मैं ये चाहता हूं कि मेरे जितने भी एलिमेंट्स हों फ्लेक्स में, यानी फ्लेक्स पेरेंट में जितने भी एलिमेंट्स हों, वो अवेलेबल स्पेस को इक्वली शेयर कर दें, अवेलेबल स्पेस को इक्वली शेयर कर दें। तो उस काम के लिए मैं फिक्स विड्थ देने के बजाय मैं चाइल्ड में आके फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को क्या कर दूंगा? वन। अब जितने भी एलिमेंट होंगे वो अवेलेबल स्पेस को शेयर करेंगे इक्वली, 3 थे तो तीनों ने सारी स्पेस को इक्वली शेयर कर दिया। अब ये भाई हो गए और उनमें इत्तफाक हो गया, वो कहते हैं जी ये एक मरले का प्लाट है, हम बराबरी में तकसीम करेंगे तीनों। लेकिन अगर 4 आ जाएं तो फिर कितने तकसीम करेंगे? ये चारों इक्वली तकसीम करेंगे। तो फ्लेक्स वन का मतलब क्या है कि जब भी आप चिल्ड्रन को फ्लेक्स वन देंगे तो जितनी भी अवेलेबल स्पेस होगी सारे चाइल्ड आपस में क्या कर लेंगे? इक्वली शेयर कर लेंगे। मेक सेंस? बात समझ आ गई ना? इसकी मिसाल बिल्कुल यूं है कि
एक कमरा है और एक कमरे में लेट सपोज तीन लोग हैं, तो वो तीन लोग जो है वो सही चढ़े होके बैठ जाएंगे, लेकिन अगर चौथा भी आ जाए तो हक तो उसका भी है, तो चौथे को भी आप उसका हिस्सा दे दें, आप अपना अपना हिस्सा थोड़ा सा कम कर दें, तो चारों को क्या कर दें, इक्वल दे दें। अगर पांचवा आ जाए तो फिर आप सारे अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा निकाल के उस किसको दे दें, पांचवें को दे दें, सो दैट सारों का हिस्सा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जब आप फ्लेक्स वन देंगे तो जितनी भी अवेलेबल स्पेस होगी उस अवेलेबल स्पेस को वो सारे क्या कर लेंगे, इक्वली शेयर कर लेंगे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर फ्लेक्स आइटम में फिक्स विड्थ, सॉरी कितनी प्रॉपर्टी होनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर फ्लेक्स रैप, रैप अगर आप एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को नीचे भेजना चाहते हैं, फिर फ्लेक्स आइटम्स को अगर आप फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं सिर्फ फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स इक्वल वन, ये फ्लेक्स वन टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, अभी हमने नहीं करना टू थ्री, ठीक है। बहरहाल अगर एक देंगे तो ये क्या कर देगा, इक्वली शेयर कर देगा। ठीक है, अगर हम इसको दो देंगे फ्लेक्स को, और ये अभी देनी नहीं है वैसे, कब देनी है ये भी मैं बताऊंगा, तो इसने कुछ भी नहीं किया। फ्लेक्स तीन देंगे तब भी कुछ नहीं करेगा, फ्लेक्स चार देंगे तब भी कुछ नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली जितने भी फ्लेक्स आइटम होंगे वो यहां जितनी मर्जी वैल्यू देंगे वो इक्वली शेयर करेंगे। लेकिन 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 अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि इन तीनों बॉक्सेस में से, सॉरी चारों बॉक्सेस में से ये भाई सबसे बड़ा है, तो इसका हिस्सा जरा ज्यादा बनता है, यानी सेकंड वाली डिव का हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा बनता है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप, अच्छा यहां इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात सुने, अभी तक मैंने एक दो तीन चार डिव्स को एक ही क्लास दी है जिसका नाम क्या है, बॉक्स। अब मैं बॉक्स क्लास को मैंने फ्लेक्स किया दिया वन, तो सारों ने स्पेस इक्वली शेयर कर ली। अब मैं सेकंड बॉक्स के बारे में ये चाहता हूं कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसका साइज भी बाकियों से दुगना हो जाए। आई रिपीट, इसका कलर भी सिर्फ सेकंड वाले बॉक्स का या सिर्फ थर्ड वाले का या जिस मर्जी का कर ले, मैं आई एम जस्ट टेकिंग फॉर द एग्जाम्पल, सेकंड वाले बॉक्स का कलर चेंज हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां कलर चेंज करूंगा तो सबका चेंज हो जाएगा, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ये अलाउड है कि मैं किसी भी एक टैग को एक से ज्यादा क्लासेस दे सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले को आगे बॉक्स वाली क्लास में तो सेम स्टाइलिंग सबकी अप्लाई रहेगी, मैं स्पेस दे के इसको दूसरी क्लास दे दूं और इसको कह दूं बॉक्स एसपी, बॉक्स स्पेशल, मतलब मैं कोई इसको स्पेशल क्लास देने जा रहा हूं, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम ऐसा दें कि जो मीनिंगफुल हो, जो बाद में आपके लिए आसानी हो, याद रखना भी और उसे रेफर करना भी। सो बॉक्स एसपी को मैं उठाता हूं और यहां पे आके क्लास है तो मैं इसको दे देता हूं दिस। अब ये याद रखें कि बाकी सारे बॉक्सेस को इंक्लूडिंग दिस बॉक्स 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 दी हुई है, इसको बॉक्स के अलावा एक और एडिशनल स्टाइलिंग भी है, तो पता है क्या होगा, ये जो डिव है ये बॉक्स वाला स्टाइल तो लेगी ही लेगी, साथ में ये वाला स्टाइल भी लेगी, गॉट इट। अब अगर मैं यहां पे आता हूं और बॉक्स एसपी पे बीजीसी दे देता हूं और इसको बैकग्राउंड कलर में क्या दे देता हूं, तीन। अब मुझे ये बताएं कि ये सेकंड वाले बॉक्स को दो कलर मिले हुए, तो इसने किसको तरजीह दी है, क्यों, नहीं हमने लिखा तो, हमने तो दोनों लिखे हुए ना, हमने तो बैकग्राउंड कलर रेड भी लिखा हुआ और बैकग्राउंड ग्रीन भी लिखा हुआ, तो इसने ग्रीन ही क्यों उठाया, रेड क्यों नहीं उठाया, कैस्केड ऊपर से नीचे पड़ता है, तो जो बाद वाले आने वाली प्रॉपर्टी है वो पहले वाली को क्या कर देती है, ओवरराइड कर देती है। यानी जब इसको उसने पढ़ा तो उसने देखा कि ये जो बैकग्राउंड कलर है ये ऊपर बॉक्स को भी लगा हुआ था, तो इसके ऊपर बॉक्स और बॉक्स दोनों है, तो इसका मतलब है ये बॉक्स इस बॉक्स में दिया जाने वाला कलर और बॉक्स एसपी में दिए जाने वाला कलर, ये दोनों आपस में लड़ेंगे, एक कहेगा मैं दूसरा कहेगा मैं, तो फिर प्रायोरिटी कौन लेगा, जो बाद में आता है। क्लियर हो गया बात, अगर मैं इस बॉक्स एसपी को ऊपर रख दूं, क्यों, क्योंकि बाद में आने वाला प्रायोरिटी लेता है, तो बॉक्स एसपी स्टाइल में मैंने पहले लिखा, बॉक्स बाद में लिखा, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो बाद में आने वाली पहले को क्या कर देगी, ओवरराइट कर देगी। क्लियर होगी बात, दो बातें पता चली आपको, एक तो कैस्केड क्या होता है, ठीक, दूसरा जब आप एक ही नाम की या एक ही टाइप की प्रॉपर्टी या एक ही प्रॉपर्टी दो जगह पे स्पेसिफाई करेंगे एक ही एलिमेंट के लिए, तो कौन सी प्रेफरेंस लेगी,
सेकंड बाद में आने वाली, ठीक है, यही कैस्केड होता है। एनीवेज इसको मैं यहां से कट करता हूं और यहां पे लिखता हूं। अब मुझे सिर्फ कलर नहीं चेंज करना था, साइज भी चेंज करना था, और मैं चाहता हूं इसका साइज डबल हो जाए बाकी सब की निस्बत। तो मैं क्या करूंगा, इसको फ्लेक्स दिया है वन, तो सारों ने, क्योंकि इसको भी बॉक्स लगी हुई है वन फ्लेक्स होगा, इसको भी बॉक्स लगी हुई है फ्लेक्स वन होगा, इसको भी बॉक्स लगी हुई है फ्लेक्स वन होगा, इसको भी बॉक्स लगी हुई है फ्लेक्स वन होगा। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं इस वाली बॉक्स एसपी पे आके फ्लेक्स क्या कर देता हूं टू। अब अगर इसको मैं जाके रिफ्रेश करता हूं तो ग्रीन वाली का साइज डबल है देन दैट ऑफ, अच्छा ये डबल एक्चुअली नहीं होता, ये रेशो के हिसाब से कैलकुलेशन होती है, लेकिन आपको लग रहा है कि इट्स काइंड ऑफ मोर देन दैट, ट्वाइस देन दैट ऑफ द रेस्ट। क्लियर होगी बात? तो अगर मैं इसको तीन दूंगा तो आपने देखा था कि यहां मैं फ्लेक्स वन देता, टू देता, थ्री देता, फोर देता, तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि रेशो के हिसाब से सबको क्या मिलना था, सेम मिलना था। लेकिन अगर दो जगह पे डिफरेंट दूंगा, अब देख रहे हैं तीन दिया तो इसने थ्राइस ऑफ द विड्थ ऑफ दिस रिमेनिंग वो लिए। समझ आ गया लेआउट कैसे बनना है? ये बिल्कुल सिंपल सा काम है। तो मेरे ख्याल में फ्लेक्स का इससे आगे नहीं जाऊंगा, बिकॉज फ्लेक्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चीज है, और मैं आपको ये बात बड़े दावे से कहता हूँ कि जिसको फ्लेक्स की बात समझ आ गई ना, वो जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है ना, ये भी कभी जिंदगी में अगर फ्यूचर में आप करेंगे तो ये भी आसानी हो जाएगी। ये जो मोबाइल ऐप्स डिजाइन करते हैं ना आप लोग, ये मोबाइल ऐप की डिजाइनिंग भी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। जितनी भी आप देखते हैं फेसबुक की ऐप या वेबसाइट अलग होती है, मोबाइल ऐप अलग होती है, आपको पता ही है प्ले स्टोर वगैरह से जो डाउनलोड करते हैं। तो फ्लेक्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और इतनी डीप चीज है, मैंने अभी इसके जस्ट ग्लिम्पसेस दिए हैं, ग्लिम्पसेस समझते हैं ना, झलक, ठीक है। सो मैंने जस्ट इसका एक ग्लिम्प्स दिखाया आपको। बहरहाल तो जितनी फ्लेक्स में जब जब यूज करूंगा साथ साथ, तब तब आपने इसको देखते रहना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अभी तक मैंने सिर्फ ये लेआउट एलिमेंट्स बताए हैं आपको। डिव क्या था? लेआउट एलिमेंट था। इनके अंदर टेक्सचुअल एलिमेंट देते हैं। जब मैं नॉर्मली बॉडी के अंदर हेड, बॉडी के अंदर H1 लिखता था, तो वो क्या करता था, फुल अवेलेबल, मैंने ये नहीं कहा कभी भी कि इट विल टेक फुल विड्थ ऑफ द बॉडी, मैंने क्या कहा, इट विल टेक फुल अवेलेबल विड्थ। अब जब वो बॉडी में था तो बॉडी की फुल अवेलेबल विड्थ, जब वो किसी डिव में आएगा तो किसकी फुल विड्थ करेगा, उसी डिव की फुल अवेलेबल विड्थ। मिसाल देता हूं मैं आपको, मैंने लिखा लेट्स सी H1, और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, और उस हेलो को मैंने यहाँ पे देखा तो ये हेलो इधर आ गया। अब मैं इस हेलो को बैकग्राउंड कलर देता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको एक क्लास दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लास H1, और यहाँ पे आके इसको मैं दे देता हूँ H1, और इसको मैं दे देता हूँ BGC, जस्ट चेक करने के लिए कि ये कितनी स्पेस लेता है, ऑरेंज। And if I come back, अब इसने पूरी बॉडी को नहीं छेड़ा, अब ने सिर्फ उसी चीज को या उसी कंटेनर या उसी डिव की फुल विड्थ ऑक्यूपाई की जिसके अंदर वो मौजूद है। क्लियर? पहले ये फुल पूरी विड्थ ले लेता था, क्योंकि हम उसे डायरेक्ट स्ट्रेट वे इनसाइड द बॉडी लिखते थे। तो पेज की डिविजन करने का मकसद पता चला ना अभी कुछ थोड़ा बहुत, कि हम जब एक डिविजन बना लेते हैं तो उस डिविजन के अंदर हम बाकी जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई है? किसके नीचे, किधर लिखना है? तो हाँ, तो सीधा सीधा कम है यार, ये को पूछने वाली बात है। ये आपका बॉक्स रैपर है, इससे बाहर लिख दें H1। बाकी काम तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा ना, मैं तो अभी सिर्फ उन बॉक्सेस का टारगेट कर रहा हूँ या उनके अंदर हमने क्या करना है। एनीवेज अब मैं अगर इसके बाद यहाँ हेडिंग के बाद लिखता हूँ लेट्स सी एक पैराग्राफ और कुछ कंटेंट्स। नॉर्मली क्या होता है कि एक बात देखिए, ये जो मैंने कंटेंट लिखा ना, हमें टेस्टिंग के लिए टेक्स्ट लिखने की जरूरत पड़ती है ताकि हम कंटेंट फिल कर सकें। तो इतना वेला कौन है कि बैठ के टाइपिंग ही करता रहे, हमने तो बेसिकली डिजाइन पे फोकस करना है। तो डमी टेक्स्ट लिखने के लिए आप पता है क्या लिखेंगे, यहाँ LOREM लॉरम और टैब की प्रेस करेंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट एक पैराग्राफ टेक्स्ट आपको खुद ब खुद लिख के देगा। लॉरम लिख के टैब दबाएंगे, ठीक है, और यहां आके देखें तो आपके लिए टेस्टिंग। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा टेक्स्ट चाहिए, बड़ा सा टेक्स्ट,
टेस्टिंग के लिए कि अगर हम बहुत बड़ा टैक्स दे दें तो क्या करेगी ये डिव, तो उसके लिए देख लें मुझे क्या करना है। दोबारा यहाँ सिर्फ लॉरम नहीं लिखना, एल ओ आर ई एम, लॉरम लिख के आगे लिख दें 200। तो ये 200 क्या है, वर्ड्स है, कि आप मुझे कितने वर्ड्स देगा ये 200। क्लिक करें, ओके करें, मैंने टैब पे क्लिक करें, ये तो मामला खराब हो गया, बाहर ही निकाल के बताया ना कि ये बिगड़ गया। क्लियर? तो क्यों निकला, दैट्स द प्रॉब्लम एंड दैट इज टू बी अंडरस्टूड। देखिए मैंने बड़ी चलाकी से फिक्स विड्थ खत्म कर दी थी, उसकी जगह फ्लेक्स दे दिया था, लेकिन हाइट को मैंने क्या रखा हुआ है, फिक्स रखा हुआ है। अब जब मैं हाइट को फिक्स रखता हूं और अंदर कंटेंट, मतलब मिसाल के तौर पे एक बिचकी में दूध 1 किलो आ सकता है, आप 3 किलो डाल दें क्या होगा, मतलब डुल जाएगा ना डुलना समझते ना क्या होता है, मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा, गॉट इट? तो ये भी तो ओवरफ्लो ही हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। मैं लफ्ज डुलना जान के बताया और साथ में ओवरफ्लो वर्ड जान के इस्तेमाल किया। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, बाल्टी में पानी भर जाए तो जो एक्स्ट्रा ऊपर से गिर रहा होता है उसे हम क्या करते हैं, बाल्टी इज गेटिंग ओवरफ्लोड, ये ओवरफ्लोड, या बकेट इज गेटिंग ओवरफ्लोड, ठीक है। सो नाउ इस ओवरफ्लो से बचने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भाईजान आप हाइट को खत्म कर दें। अब जब हाइट को खत्म करेंगे तो फिर जितना कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिक उतनी हाइट खुद ब खुद पकड़ लेगा। जबरदस्त, एक तो अब हम एक और एक मसला हल किया, दूसरा खुल गया, ठीक है। तो मैंने इसीलिए लव्स ओवरफ्लो इस्तेमाल किया था, उसका जरा हम हल करते हैं कि ओवरफ्लो क्या था। बहरहाल एक बात तो आपको यहां से सीख लिया आपने कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को हाइट ना दें तो जितना कंटेंट होगा वो उसके मुताबिक खुद को खुद एक्सपैंड कर लेगा। क्लियर? एक हल ये है, मैंने अभी बोला 2-3 हल है। दूसरा हल क्या है, दूसरा हल ये है कि मैं चाहता हूं नहीं इतनी ही विड्थ रहे, तो फिर मैं यहां पे क्या करूंगा, एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड ओ वी ई आर, ओवरफ्लो ऑटो। ऑटो क्या होता है और ओवरफ्लो क्या होता है, जरा ये देखिएगा, समझ आ गई बात। अच्छा ऑटो क्या होता है, ओवरफ्लो की बाकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओवरफ्लो दो साइड पे हो सकता है क्योंकि 2-डायमेंशन स्क्रीन है ना आपकी, या तो एक्स एक्सिस पे ओवरफ्लो हो सकता है या वाई एक्सिस पे ओवरफ्लो हो सकता है। अब ऑटो का मतलब ये है कि तुम खुद जज करो कि तुम्हें एक्स एक्सिस पे ओवरफ्लो क्रिएट करना है या वाई एक्सिस पे, यानी ओवरफ्लो जब हम करेंगे तो स्क्रॉल क्रिएट कर देगा, ये स्क्रॉल बार आ रही है ना, इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या करती है, स्क्रॉल, और ओवरफ्लो तब काम करती है जब हाइट फिक्स मिली होती है। जब हाइट फिक्स नहीं मिली तो ओवरफ्लो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कंटेंट के मुताबिक हाइट खुद ही एक्सपेंड हो जाएगी। मेक सेंस? तो मैंने इसे कहा ओवरफ्लो ऑटो, तो ऑटो किस पासे करेगा, कंटेंट किधर एक्सपेंड, ओवरफ्लो किधर कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है वाई एक्सिस पे कर रहा है, वाई एक्सिस पे कर रहा है ना, तो इसका मतलब ऑटो वाई। अगर कंटेंट एक्स एक्सिस पे बाहर निकल रहा होता तो फिर ये नीचे वाली स्क्रॉल क्रिएट करता, समझ आ गई बात। तो ये दो तरह की स्क्रॉल होती है। अब अगर मुझे ये ऑटो ना करना होता तो दूसरी पॉसिबिलिटी या दूसरी वैल्यू क्या थी, ओवरफ्लो, सॉरी दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि मैं इसे सिर्फ ये कर देता कि ओवरफ्लो वाई, तो वाई क्या होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है ना और ये वाला एक्स एक्सिस होता है, तो ओवरफ्लो वाई भी ऑटो करता या ओवरफ्लो वाई को स्क्रॉल कर देता तो वो काम भी होना था। लेकिन अभी तक क्योंकि बहुत सारा काम हमने नहीं करना है इकट्ठे, तो अभी तक ये काम हमारा चल रहा है कि उसे लेट इट पिक और लेट इट डिसाइड ऑटोमेटिकली विच डायरेक्शन इट हैज टू क्रिएट द स्क्रॉल बार एंड इट हैज टू एक्चुअली एडजस्ट द कंटेंट इन ओवर इन केस ऑफ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, ये बात क्लियर है? तो ये दूसरा हाल है बेटा। और आपने अक्सर देखा होगा कि जहां आपका छोटा सा एरिया है और उस एरिया में कंटेंट बहुत ज्यादा है तो वो क्या करते हैं, बेहतरीन हल है कि वो ओवरफ्लो ही रखते हैं उसको। और एक बात और याद रखें, ये जो आपने कहा ना कि इसके साथ दूसरे भी फैल गए हैं, ये बिहेवियर डिजायरेबल होता है, ये रिक्वायर्ड होता है। इसलिए फ्लेक्स का डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि फ्लेक्स के जितने भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे उन सब की हाइट ऑटो ग्रो करेगी। चाइल्ड एक होता है, यही तो बता रहा हूं कि ये बच्चा किसका है।
तो फ्लेक्स अपने सारे चाइल्ड को कंसिस्टेंट रखता है, अपनी सारों की हाइट को इक्वली ग्रो करता है। पता इसलिए चला कि ये सारे एक ही कंटेनर के अंदर है, एक ही पेरेंट के अंदर है, इनके वालिद ग्रामी एक ही आसान अल्फाज में, ठीक है, ये क्लियर होगी बात। ये है बेसिकली बेटा फ्लेक्स का बिहेवियर। बिफोर मूविंग अहेड आई वॉन्ट टू गिव यू अ टास्क एंड असाइनमेंट, ताकि मैं भूल ही ना जाऊं बाद में, और चूंकि अब आगे 4-3 छुट्टियां भी हैं तो एक असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तिक्के तूने कौन सा जनाब लगता है तेरे को लंबे लांजे हैं मुझे। एनीवेज सो पहले निकालते तो है ना टास्क किस तरह का, तो जरा फिर देखते हैं कि उस पे क्या सिचुएशन है। अच्छा एनीवेज ये तो होगी ना मेरी एक रो, अब मुझे दूसरी क्रिएट करनी है तो फिर मुझे एक पेरेंट बना लूं बेहतर है, और उस पेरेंट के अंदर उसको मैं फिर फ्लेक्स कर लूं और फिर उसमें एलिमेंट अरेंज कर लूं, और इसी तरह कीप ऑन डूइंग दैट, कीप ऑन ग्रोइंग दैट। तो लेट मी गिव यू अ टास्क, समझ तो गए होंगे गए समझ, अच्छा ठीक है। तो नहीं नहीं वो अब उसमें फोटो अच्छी अच्छी लगी हुई है, मतलब फोटो लगा लेंगे बाद में एनीवेज वो लगा लेंगे, डोंट वरी। व्हाट अबाउट दिस, नॉर्मली वेबसाइट का मोर आर लेस जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सेम होता है, यानी एक ऊपर हेडर होता है, फिर उसके नीचे स्लाइडर होता है, फिर नीचे जाके फुटर होता है, फिर दरमियान में कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द वेबसाइट या नेचर ऑफ द वेबसाइट या नेचर ऑफ द बिजनेस। लेकिन अगर आपको लेआउट जनरल बनाने आ गए ना, तो फिर जब आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दी जाएगी तो आप बना सकेंगे। तो क्या ख्याल है, 1, 2, 3, 4 buy 1 get 4 चार दिनों के चार टास्क, और बाय द वे ये चारों टास्क एक ही दिन में हो सकती हैं, दे आर डैम सिंपल, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। एक डिव बना के वो डिफॉल्ट 100% वेट लेगी, कोई फ्लेक्स फ्लेक्स की जरूरत ही नहीं है, उसके अंदर टेक्स्ट लिख दें, नीचे वाले में भी कोई मसला नहीं है, इस नीचे वाले में भी कोई मसला नहीं है। मसला इधर आएगा, 2 बना के पेरेंट फ्लेक्स दें, चिल्ड्रन को फ्लेक्स 1 दें, और फिर इस सेकेंड वाली को दे के फ्लेक्स 2 दे दें, जैसे अभी मैंने किया है। अच्छा दरमियान में, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा उसको आज अभी डिस्कस कर लेते हैं इसके फौरन बाद। ये समझ आ गई, ये जो अभी मैंने काम किया ना चार डिव्स के साथ, आपने 2 के साथ करना है, फ्लेक्स पेरेंट को फ्लेक्स बना के बीच में 2 चिल्ड्रन रखने, और राइट वाले चिल्ड्रन को 2 क्लासेस दे के एक क्लास में फ्लेक्स की प्रॉपर्टी 2 दे देनी है, तो वो क्या कर लेगा, इट वुड बिकम ट्वाइस देन दैट ऑफ द फर्स्ट वन, ये भी बन गया। और आखिरी में तो पहला तो डैम सिंपल है, इट्स नॉट मोर देन द 5 मिनट्स टास्क, ठीक है। मार्जिन पैडिंग भी देख ले किधर किधर लगी हुई है, और एक इंपॉर्टेंट बात जो सर ने हाईलाइट की, टेक्स्ट को सेंटर कैसे करना है, और सेंटर भी एक साइड में नहीं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। वैसे सेंटर और मिडल में क्या फर्क है, कोई बता सकते? सेंटर और मिडल में क्या फर्क है? मिडल पेज के सेंटर में होता है और सेंटर पेज के मिडल में होता है नहीं, मिडल लाइन के दरमियान में होता है और सेंटर पेज के दरमियान में होता है, नहीं मतलब करीब है किसी हद तक, समझाएं जरा कैसे, मैं ले मैं मुझे नहीं पता, उनको डिफाइन करें ना प्रॉपर वर्ड, बाकी शरीफों को भी समझ आ जाए। कहानी ना लिखे भाई, सीधी सीधी डायग्राम बनाए यार, फर्क क्या भाई, मुझे तो दोनों सेम लग रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, अल्फाज थोड़े से चेंज कर ले दो। कभी आपने क्रिकेट तो शौकीन है ना सारे, तो कमेंटेटर कभी सुना है कि राइट इनटू द मिडल ऑफ द बैट, तो वो ये नहीं कहेगा सेंटर ऑफ द बैट, बैट में सेंटर होता ही नहीं है, मिडल होता है, ठीक है। ये पेंसिल मुझे दे जरा, मिडल पता क्या होता है, मिडल ये होता है कि अगर एक चीज है ना तो उसका 2 अतराफ से सेम डिस्टेंस, सेंटर ये होता है कि चारों हर तरफ से सेम डिस्टेंस। मिसाल के तौर पे
ये जो है ना, अगर सर्कल परफेक्ट बने, मेरे से परफेक्ट सर्कल नहीं बने, ये सेंटर पॉइंट है। क्यों? इसका डिस्टेंस हर तरफ से सेम है, और इन वाली बात कि मिडल दो अतराफ से डिस्कस होता है, ये मिडल है बेसिकली, हर तरफ से उसका। समझ आई ये बात कि नहीं आई? थोड़ी बहुत बन गई ना। एनीवेज, खैर ये वैसे ही बीच में बात टपक गई, पर ये वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट थी, ठीक है। एनीवेज, सो इस पे मैं आता हूँ बाद में। अच्छा, इस पे आए, ये वाला सिंपल, ये वाला सिंपल, ये वाला सिंपल, ये क्या है? पेरेंट फ्लेक्स और फ्लेक्स वन, तीन डिव्स। ये वाला सिंपल, हाँ ये वाला थोड़ा सा मसला कर सकता है, क्योंकि ये एक अलग चीज और ये फिर अलग चीज और फिर इसके अंदर फिर दो चीजें नेस्ट हुई। मैं देखता हूँ जरा आप में कितनी अक्कल है जरा इस, फिर ये और ये और हाँ ये भी थोड़ा सा दैट मे बी, नहीं मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बट मैं आपकी जरा इंटेलिजेंस चेक करता हूँ कि कैसे बनेगा। हमने करना यह है कि तमाम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप एक ज्वाइन करना है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जब आप टास्क कर लेंगे तो वो सबमिट करेंगे, या कैसे करेंगे? हाँ फिलहाल जब तक मैं अगली कोई चीज नहीं बताता, मैं बताऊंगा कि जब आप टास्क कर लें, फोल्डर को जिप करें और व्हाट्सएप पे भेज दें, ताकि मैं यहीं पे ओपन करके आपके कारनामे आपके सामने खोल के आपको दिखा सकूं कहाँ कहाँ क्या क्या हरकतें की हुई आपने, ठीक है। सो ये मैं इसे सेव कर रहा हूँ, एंड देन कमिंग बैक टू द डेस्कटॉप एंड टास्क वन। मैं कोशिश करूंगा कि हर जुमेरात को आपको एक एक तावीज दूं, ताकि सोमवार तक आप वेले ना बैठे, ठीक है। तो हर 4 दिन हम पढ़ेंगे, 4 दिन के बाद एक ऐसा तगड़ा सा टास्क करेंगे जो चार अगले 3 दिन आपके आराम से गुजार ले। ये तो सिंपल है ना, हर दफा सिंपल नहीं होगा। अब हम करते हैं जी टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स, ठीक है। तो कमिंग, ये मैं टास्क अभी आपको जाते वक्त सेंड कर दूंगा, मैं कहाँ सेंड करूँ, हाउ कैन आई मेक अ ग्रुप। सिस्टम में ग्रुप बनाने की फैसिलिटी नहीं है मेरे ख्याल में ना। ओह यस ग्रेट, इसको हम क्या नाम दे दें? वेब 425 मोबाइल है सबके पास। ये तो ग्रुप पार्टिसिपेंट्स किधर से ऐड करूंगा मैं? अच्छा पहले पार्टिसिपेंट ऐड करूंगा तो फिर ग्रुप बनाएगा। पार्टिसिपेंट के लिए नंबर सेव करने पड़ेंगे पहले। अच्छा एक काम करें आप, प्लीज आप में से किसी की एक ड्यूटी लगा दो, वो ग्रुप बना के मुझे भी एडमिन बना दे। आप क्लास के फौरन बाद एक दूसरे के सारे नंबर शेयर कर लें, और एक बंदा ग्रुप बना के मुझे बीच में ऐड करके मुझे एडमिन बना दे, ठीक है? क्लियर है? कौन बनाएगा ग्रुप? ओके ये मेरा नंबर इस पे लिखा हुआ है ना, ये दे दो, इस पे मेरे नंबर में मुझे ऐड कर दे, ठीक हो गया। सो नाउ अब हम वापस आते हैं जी, ओवरफ्लो आपका। अब मैं टेक्स्ट पे जरा फोकस करता हूँ, सो लेट मी हैव दैट। मैं ये जरा जो आपको बताने के लिए या समझाने के लिए ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी दी थी, मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, इसकी क्लास को भी कर रहा हूँ खत्म, और एच वन से भी कर दूंगा खत्म, और ओवरफ्लो भी कर दूंगा खत्म, जस्ट टू कीप दिस वेरी वेरी सिंपल थिंग, ठीक। अब ये हेलो किधर लिखा हुआ है? पहली डिव में, और मैं सब में हेलो हेलो लिख देता हूँ, ताकि सब में टेक्स्ट जो है वो पता लग जाएगा। या वन लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वॉट एवर यू लाइक। इसमें टू लिख देता हूँ, ताकि जो भी मैं स्टाइल अप्लाई करूँ वो सारों पर रिफ्लेक्ट हो। इसमें थ्री लिख देता हूँ और इसमें फोर लिख देता हूँ, ठीक। अब जब आप फ्लेक्स देते हैं तो फ्लेक्स की इतनी खूबसूरती है, क्योंकि मैं बार बार इसकी तारीफें कर रहा हूँ कि ये बहुत सारे फीचर देती है। फ्लेक्स पेरेंट में जब आप देंगे तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है? इस कमरे का कंटेंट क्या है? बंदे, कुर्सियां, टेबल, जो कुछ इस कमरे के अंदर पड़ा हुआ है, तो जस्टिफाई करो कंटेंट को।
और जस्टिफाई क्या करो, मैं कह रहा हूँ सेंटर में कर दो। तो लेट्स सी, पहले देख लें, रिफ्रेश करूंगा तो इसने कुछ भी नहीं किया। रीजन बीइंग इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, लेट मी डू दैट, शायद वो H1 की वजह से नहीं कर रहा। मुझे एक मिनट देंगे। ये जो वन है ना, ये बेसिकली वन H1 है, और H1 क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट ने क्या किया, वो फुल विड्थ ऑक्यूपाई की हुई। अब वो ऑलरेडी फुल विड्थ ऑक्यूपाई की हुई, तो वो लेफ्ट राइट किधर जाएगा? यानी जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, एक्स एक्सिस पे सेंटर कर देता है, और अलाइन आइटम क्या करता है, वाई एक्सिस पे सेंटर कर देता है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग जस्ट मैं वापस इस H1 पे भी आता हूं, मैं इसको क्या कर देता हूं, एक और डिव बना देता हूं। आपको पता है डिव के अंदर डिव हो सकती है, अगर नहीं पता तो देख लें। और इसको मैं कर देता हूं क्लास, क्या नाम है सूटेबल इसका, इनर बॉक्स। अब इस इनर बॉक्स को मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे आके, अच्छा ये कैस्केडिंग की वजह से इसके ऑर्डर का ख्याल रखना है कि वो ऊपर क्या रखना है, यानी जिस तरतीब में आपके पास HTML में एलिमेंट आए उसी तरतीब में आपने यहां पे रखने। अब जब मैं इनर बॉक्स को विड्थ और हाइट नहीं दूंगा तो वो मुझे विजिबल नहीं होगा, उसे देखने के लिए ऑब्वियसली मुझे उसकी विड्थ और हाइट और बैकग्राउंड कलर देना है, अदरवाइज वो कलर वही चूज करेगा जो उसके पेरेंट कह रहा था, तो रत्ते के अंदर रत्ता तो नजर नहीं आने वाला। तो मैं क्या कहूंगा इसका, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर नीड्स टू बी लाइक ऑरेंज, और इसकी मैं दे देता हूं विड्थ 50 पिक्सल्स और हाइट 50 पिक्सल्स। और अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, ये छोटा सा बॉक्स बन गया, विड्थ हाइट बहुत छोटी है, थोड़ी सी हम ज्यादा बड़ी कर देते हैं, 100 100। अब ये जो ऑरेंज बॉक्स है ये किसके अंदर है, रेड के अंदर है। अब जरा मैं इसको करता हूं लाइक दिस बॉक्स रैपर। अब मैं किसको सेंटर करना चाह रहा हूं, इनर बॉक्स को। इनर बॉक्स का पेरेंट कौन है, बॉक्स। तो इसका मतलब मुझे फ्लेक्स की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो उस पर अप्लाई कर सकता हूँ, या वो फ्लेक्स पेरेंट हो या फ्लेक्स चाइल्ड हो। अब मुझे सेंटर करना है किसको, इनर बॉक्स को, तो ये है किसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, पहले बॉक्स को भी क्या कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब जब बॉक्स फ्लेक्स हो गया तो बॉक्स इन सॉरी इसको फ्लेक्स करने के बाद अब मैं वही प्रॉपर्टी जो ऊपर अप्लाई कर रहा था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यू सी दैट। और सरप्राइजिंगली इसने ये भी कर दिया। अच्छा मैं एक जगह पे मैं गलती कर रहा था, मैं करेक्ट करता हूं अपनी गलती, ये समझ आ गया। अब ये हुआ क्या, वो गलती देख लेते हैं पहले। वो पता लग गया, ये स्टेट थी हमारी ओरिजिनल। अभी मैं अलाइनमेंट किसकी करना चाह रहा हूं, ये सेंटर किसको करना चाह रहा हूं, H1 को। तो ऑब्वियसली ये किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर है, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट किसको दे रहा था, बॉक्स रैपर को, यानी मैं ग्रैंडफादर को दे रहा था। मुझे देना किसको चाहिए था, फादर को देना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई है? तो इसका मतलब ये है कि मुझे अलाइनमेंट या सेंटर किसको करना है, H1 को करना है। तो H1 किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर है। तो H1 फ्लेक्स की कोई भी प्रॉपर्टी तब उठाएगा जब इसका अपना पेरेंट भी फ्लेक्स होगा। H1 फ्लेक्स की कोई भी प्रॉपर्टी तब उठाएगा जब इसका अपना पेरेंट क्या होगा, तो अभी बॉक्स फ्लेक्स नहीं है। सो लेट मी डू दैट। बॉक्स को मैंने क्या किया,
डिस्प्ले फ्लेक्स, और अब डिस्प्ले फ्लेक्स जब दे देते हैं तो ये आपको जस्टिफाई कंटेंट बहुत सारी प्रॉपर्टीज एडिशनल दे देता है, उनमें से जाहिर है सारी हम एक वक्त में नहीं पढ़ेंगे। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, ये साथ अगर दें तो वो हिंट भी दे रहा है कि अलाइन फ्लेक्स आइटम्स अलोंग द मेन एक्सेस ऑफ द करंट लाइन ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर। अच्छा, मेन एक्सेस को छोड़ें आप, सिंपली एक सेंटर करता है एक्स एक्सेस के अलोंग, और नॉर्मली मेन एक्सेस आपका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्स एक्सेस ही होता है। ठीक, तो मैंने जब इसे कहा ना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सारे एलिमेंट्स को, क्योंकि सारे बॉक्स मैंने जब डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स को दिया तो सारे बॉक्सेस को डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, और जस्टिफाई कंटेंट दिया सेंटर तो इस बॉक्स के अंदर जो भी कंटेंट था वो कहां चला गया, सेंटर में चला गया। क्लियर है? अच्छा खल जाना, अभी मैंने क्या कहा, एक्स एक्सिस की बात की। दूसरा जो एक्स एक्सिस के दूसरा एक्सिस होता है वो उसे हम कहते हैं क्रॉस एक्सिस। क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं मेन एक्सिस, एक को हम क्या कहते हैं, क्रॉस एक्सिस। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स का मेन एक्सिस क्या होता है और क्रॉस एक्सिस क्या होता है? तो अभी हमने जो अलाइनमेंट की है, यानी जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, मेन एक्सिस पे इनको सेंटर पे लाएगा, मेन एक्सिस पे। अब क्रॉस एक्सिस पे लाना है तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, अलाइन आइटम्स सेंटर्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस, और जो इंपॉर्टेंट बात, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मिस कर रहा था, जो मैंने गलती की है पहले, वो नहीं करनी है आपने दोबारा, कि आई फॉरगॉट कि जिसको मैं अलाइन कर रहा हूं उसका अपना पेरेंट फ्लेक्स होना चाहिए। अलाइन एच वन को कर रहा था, उसका अपना पेरेंट कौन था, बॉक्स। तो मैं किसको करने की कोशिश कर रहा था, बॉक्स रैपर को, जो कि एच वन का दादा बनता था। ठीक है, तो इसलिए जरा जब अलाइनमेंट वगैरह करनी हो तो आपने इस चीज को बड़ा खास ख्याल रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने नोट किया फ्लेक्स में, पेरेंट चाइल्ड का ताल्लुक, कि इसका इमीडिएट पेरेंट कौन है और इसका इमीडिएट चाइल्ड कौन है। सो अब ये वाला मसला भी हल हो गया कि आप कंटेंट को, अब इस हेलो वन टू के बजाय जो मर्जी कंटेंट लिख दें, हेलो लिख दें, एच इसके अंदर डिप बना लें भी कर दें, एंड दैट ऑल इज गोइंग टू, एंड दैट लुक्स आई थिंक सिमिलर टू द टास्क दैट इज बीइंग गिवन। ठीक है, दिस इज लोगो, दिस इज बॉडी एरिया एंड समथिंग, ये वाला, हाँ ये। अच्छा, इसमें अब टेक्स्ट देखें स्टार्ट में, तो बाय डिफॉल्ट वैसे स्टार्ट में ही होता है, लेकिन पंगा तो हो सकता है ना फ्यूचर में, मैं आपको कह सकता हूँ यार ये स्टार्ट में तो इधर एंड पे आ जाए, तो अब ये कैसे होगा देखिएगा। मैंने अभी तक आपको एक प्रॉपर्टी फ्लेक्स कंटेंट की जो वैल्यू है, या तो वो सेंटर हो सकती है, सजेशन में देखें, या वो क्या हो सकती है, बेसलाइन या एंड, या फर्स्ट बेसलाइन, या फ्लेक्स एंड, या फ्लेक्स स्टार्ट, या लास्ट बेसलाइन, या लेफ्ट। इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही है, आपने सिर्फ किन किन को ट्राई करना है। मैंने इसको कहा जी एंड, सॉरी फ्लेक्स एंड करना चाहिए था, दैट वुड वर्क। तो ये मैंने एंड किसको दिया, जस्टिफाई कंटेंट को। तो जस्टिफाई कंटेंट किधर मूव करता है एलिमेंट्स को, मेन एक्सिस पे, और अगर अलाइन आइटम में एंड करता तो ये इसको किधर अलाइन करता, क्रॉस एक्सिस के एंड पे जाता। बात समझ आई है? तो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम, ये प्रॉपर्टी नेम्स हैं, और इन प्रॉपर्टी नेम के अगेंस्ट वैल्यूज डिफरेंट है। क्लियर होगी बात? वैल्यूज का मतलब फ्लेक्स स्टार्ट भी है, फ्लेक्स एंड भी है, सिर्फ स्टार्ट भी है, सिर्फ एंड भी है, बेसलाइन भी है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको एक चीज पे एक्सपर्टी लेनी होगी लाजमी हर हालत में, वो फ्लेक्स ही है। और मैं आपको ईद के फौरन बाद एक गेम बताऊंगा, उस गेम को खेलते खेलते आप फ्लेक्स सीख जाएंगे। फ्लेक्स बेस्ड बहुत सारी सीएसएस की गेम्स बनी है, बड़ा इंटरेक्टिव वे है और बड़ा अट्रैक्टिव वे है, बच्चों को वैसे ही गेम खेलने का शौक होता है। आप खेल गेम रहे होंगे और बिहाइंड द सीन आपके ये कॉन्सेप्ट्स तगड़े हो रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है इट्स बीन अ ट्रिकी फॉर द बिगिनर्स, जो स्टार्ट में होते हैं उनके लिए ट्रिकी होते हैं। लेकिन मैं इसलिए आपको बड़ा लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ, मैं मतलब ज्यादा आगे नहीं जा रहा, मतलब जितना कंटेनर है ना, जितनी देचकी है उतना ही दूध डाल रहा हूँ, वरना ओवरफ्लो होने का खतरा है या अंडरफ्लो होने का खतरा है। अंडरफ्लो क्या होता है पता है, बाल्टी के नीचे सुराख कर दो तो लीक, उतना पानी पाई जाओ तो निकली जाए। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि आप ओवरफ्लो या अंडरफ्लो हो, दैट्स व्हाई। तो अब आपको जो टास्क दिया है, इस टास्क को देख के मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको लगता है कि दैट कैन मेक यू, ये नहीं करना आपने, ये सिर्फ उसने बताया हुआ है कि ये बैकग्राउंड है। बेसिकली पता है क्या है,
कि जब बॉडी होती है ना तो चारों साइड पे मार्जिन होता है, तो कैन यू गेस ये चारों साइडों में वो मार्जिन है, यानी ये यूं है, लेट मी एक मिनट बेटा, सॉरी आई एम टेकिंग यू, ये यूं है सर, ये मैं इसको दे दूं, नहीं बॉडी दे दूं और बॉडी को कलर दे दूं बीजीसी, और इसको मैं दे देता हूं लाइट सा ग्रे, और इसको मैं दे देता हूं पैडिंग, चारों साइड में बॉडी पैडिंग लेगी, और इसको मैं दे देता हूं लेट्स सपोज 25 पिक्सल। तो ये जो आपको बता रहा है ना, ये कुछ उस इस तरह से है, इस तरह से ये पीछे ये जो साइड में लिखा है ना बैकग्राउंड, तो एक्चुअली पूरी बॉडी का बैकग्राउंड है, और फिर टॉप राइट लेफ्ट से पैडिंग दी हुई, और बीच में उसने अपना डिजाइन बनाया हुआ लाइक दिस, इफ यू कैन सी, ये जो बैकग्राउंड लिखा है ना, ये बेसिकली ये पूरा चारों साइड पे है। नहीं, वो नहीं लिखा, अलग अलग है भाई, क्या कर रहे हो, चार प्रोजेक्ट्स हैं आपके, ये चार प्रोजेक्ट्स हैं आपके। अब ठीक हो गया ना, तेरे दिन है ना, मतलब तिक्के छाए हुए हैं पिछले दो दिनों से, मसला और कोई भी नहीं है। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप यू विल कम विद फुली इक्विप्ड विद फ्लेक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रॉपर प्रैक्टिकल यूजेज। और नंबर मेरा आपके पास है, आप अभी ग्रुप बनाएं और मुझे ऐड करें, ताकि मैं आपको ये, इस पे मेरे एक नंबर लिखा हुआ, दो लिखे हैं, लेट मी शो, लेट मी चेक, सॉरी मुझे दूसरे नंबर से ऐड करेंगे आप, क्योंकि ये मेरा पर्सनल है, इस पे जो है ना हमें रश पड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वही खुला हुआ बेसिकली, 318 ये ले, अभी ग्रुप बना के मुझे ऐड करें, ताकि मैं टास्क आपको ग्रुप में डाल दूं, सबको ऐड कर लें पहले यहाँ बैठे बैठे, और ताकि यहाँ से उठें तो विद टास्क उठें आप।